सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म। विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने सफाई कर्मियों के साथ लगाई झाड़ू। जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी को दिए निर्देश। फरार आरोपियों को 8 दिन के अंदर गिरफ्तार करने के लिए भी थाना प्रभारी को दिए निर्देश। सफाई कर्मचारियों के साथ आज हाथों में झाड़ू उठाकर की नगर की साफ सफाई। पिछोर में वाल्मीकि समाज के 2 भाइयों की हत्या के बाद 2 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिसको लेकर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। नगर में चारों तरफ कचरा फैल रहा था, जिसको लेकर विधायक प्रीतम सिंह लोधी वाल्मीकि समाज के लोगों के पास पहुंचे और उन्होंने थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि फरार आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल बंद कराकर सफाई कर्मचारियों के साथ विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने अपने हाथों में झाड़ू लेकर बस स्टैंड, कॉलेज चौराहा और निगम के तमाम जगह सफाई की। कृषि उपज मंडी के प्रतिनिधि सुनील लोधी विधायक के साथ सफाई करते हुए नजर आए। विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने कहा कि वाल्मीकि समाज के 2 भाइयों की हत्या कुछ दिन पहले हुई थी, इसको लेकर 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर वाल्मीकि समाज के लोग हड़ताल पर बैठे थे। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि पुलिस जल्द से जल्द उन फरार आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। और विधायक ने कहा कि वाल्मीकि समाज के लोग ईश्वर के समान है, जो साफ सफाई करते हैं और नगर को स्वच्छ रखते हैं। विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने कहा कि मैं 40 साल पहले किसी ने मुझे पूछा था कि वाल्मीकि समाज के लिए, तो मैंने कहा था कि मुझे ईश्वर अगला जन्म दे तो वाल्मीकि समाज में दे। सचिन राज की रिपोर्ट। से लोगों को देखने को मिल रहा है, आप झाड़ू लेके मैदान में आ चुके हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं वाल्मीकि समाज को भगवान मानता हूँ और भगवान योग्य है। हमारे देश को अगर बचाया है तो वाल्मीकि समाज ने बचाया है, सफाई करके ना ही हमारे देश को सुरक्षा और स्वर व्यवस्था दी है। मैंने एक बार कम से कम 40 साल पहले एक स्टेटमेंट दिया था, हे ईश्वर अगर अगला जन्म दे मुझे तो वाल्मीकि समाज में देना, क्योंकि अगर देश को बचाने का काम करती है, झाड़ू पोंछा करती है, तो वाल्मीकि समाज करती है। इतनी मेहनत, इतना काम कोई भी नहीं करता है देश के अंदर, कह कोई भी ले, लेकिन करते नहीं है दोस्तों। इसीलिए आज नगर की सफाई के लिए मैं वाल्मीकि समाज बनकर और आज सड़क पर आया हूँ और इसको साफ करके तभी दम लूंगा दोस्तों। जिस तरह से आपने पहले भी शुरुआत में जब आप MLA की आपने शपथ पत्र मिला था, आपको प्रमाण पत्र मिला था, जिस जीत के बाद आपने ये कहा था नगर का कचरा साफ करना है, जी जी, इस तरह से आज कचरा भी साफ करते हैं। देखिए, वो कचरा अलग था, ये कचरा अलग है, वो बदमाश कचरा था, ये शरीफ कचरा है। झाड़ू हाथ में ले लिए तो अब संभव है कि कचरा साफ होगा? बिल्कुल होगा, पूरा कपड़ा साफ होगा। और जो जो वास्तव में ही सपने सजोए हैं यहाँ की जनता ने और मैंने मिलकर, हम उन सपनों को साकार करेंगे। धन्यवाद।